हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कीमा आलू कटलेट्स, जो कि बहुत जल्दी बनता है। और मैंने इसमें ना ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है, ना चावल का आटा डाला है और ना ही अंडे का यूज़ किया है, फिर भी ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसका क्रिस्प सुनते हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, और अंदर की जो कीमे की स्टफिंग रहती है ना, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रमज़ान में इफ्तार पार्टी में आप ज़रूर इसे शामिल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे कीमे की जो फीलिंग रहती है ना, वो चारों तरफ बहुत ही अच्छे से सेट हुई रहती है, और ये एकदम ऊपर जो क्रिस्पी रहता है ना आलू का क्रिस्प, वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू की फिलिंग बना के रख लेती हूँ। तो मैंने दो बड़े साइज की आलू को बॉयल करके ऐसे मैश कर लिया है। फिर उसमें हम डाल देंगे एक बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स, और आधी छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया पाउडर, और एक छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, और दो चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इससे क्या होगा कि हमारे जो क्रिस्पी कटलेट्स बन के तैयार होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इसी से क्रिस्पी बनते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और हरी धनिया और पुदीना। तो पुदीना मैंने काफ़ी देर से काट के रखा था, तो उसकी शक्ल देखिए कैसे हो गई है, पर कोई नहीं। चलिए फिर अब इसे मिक्स कर लेते हैं। नींबू का रस भी डालना है, आधा नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। तो फिर अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आरा रोट डाल दीजिए, और आरा रोट भी ना हो तो चावल का आटा इसमें आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो मैं नींबू डालना भूल गई थी, जब थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया फिर याद आया कि अरे नींबू भी तो डालना है, तो फिर मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया आधा नींबू, और अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ये स्टिकी लगे, चिपचिपा लगे, तो हाथों पे हल्का सा तेल लगाकर आप इसे एकदम चिकना ऐसे डो जैसा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसको रखते हैं एक साइड में, बना लेते हैं अपना कीमा। तो कीमा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे एक बड़े चम्मच तेल, और उसमें हम डाल देंगे दो तेजपत्ते और एक बादियान का फूल। इसको डालने के बाद फिर हम एक छोटी साइज की प्याज को एकदम बारीक काट कर ऐसे डाल देंगे, और तीनों चीज को अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो थोड़ा सा इसे हम भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो छोटी चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन रहता है ना वो चला जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कीमा। तो मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है, और ये वजन में मतलब एक पाव है, 250 ग्राम कीमा है, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से धुल लिया है। फिर उसके बाद इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे, और इसमें नमक डाल देंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो टेस्ट के हिसाब से आप इस पर नमक डाल दीजिएगा, जितना मतलब कीमे में लगेगा। तो मैं एक छोटी चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ इसमें। नमक डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ऐसे भून लेंगे, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और इसमें अभी ना नमक डालने के बाद थोड़ी देर जब हम भूनेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी निकलता है, पानी रिलीज होता है। तो पानी को हम ऐसे ड्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। जब पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, तभी हम डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। तो मैंने एक छोटी चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हम ले लेंगे इसमें हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच ले लेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। कसूरी मेथी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा उससे फ्लेवर आ जाता है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ मिक्स करेंगे मीडियम आंच पे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मतलब गल जाए। तो पानी मैं आधा कप डाल रही हूँ, और आधा कप पानी डालने के बाद इसे मीडियम आँच पर हम इसे पकने देंगे, ताकि कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से गल जाए। क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, चिकन का रहता है तो फटाफट से ही गल जाता है। तो मैं इसे ढक देती हूँ, 5-10 मिनट बाद मैं इसे दोबारा से चेक करूंगी। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, डालकर वह सीटी लगा देना है, फटाफट से हो जाता है। तो अभी मेरा कुकर खाली नहीं था, मैंने इसमें रखा है छोले उबलने के लिए। तो मैंने कहा लाओ इसी में बना लेते हैं क्या करना है, और उसमें ना फिर वीडियो शूट करो तो समझ में ज़्यादा नहीं आ पाता, इसीलिए। तो यहाँ पे 80% तक कुक हो गया है, 20% तक हमें और कुक करना है इसे। तो फिर मैं इसे मिक्स कर दूंगी और ढक दूंगी, फिर कीमे यहाँ से पकने देंगे। उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे तो एकदम ड्राई हो जाता है। तो कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है, पानी भी जो एक्स्ट्रा था हमने ड्राई कर लिया है। तो अब इसमें से जो हमने तेजपत्ता और फूल डाला था ना, उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से कीमे में आ गया है, इसका अब कुछ काम नहीं है। पानी ड्राई करने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर
फिर बनाएंगे अपने क्रिस्पी क्रिस्पी से कटलेट्स। तो हाथों पे हल्का सा तेल लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जैसे टिक्की वगैरह बनाते हैं ना मालू वगैरह की, तो बस उतना ही हम इसको लेंगे, ऐसे थोड़ा सा चिकना करेंगे, चपटा करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं ना बीच में फिलिंग डाल के, बस वैसे ही करना है। तो जैसे आलू का पोर्शन हमने थोड़ा ज्यादा लिया था, उससे थोड़ा सा कम हम लेंगे कीमे का पोर्शन। तो देखिए डालने के बाद हम इसे चारों तरफ से अच्छे से ऐसे कवर कर देंगे, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल भी मतलब ये निकलता नहीं है कि तेल खराब होगा या ऐसा कुछ, क्योंकि मैं वैसे भी इसको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, शेलो फ्राई ही करूंगी, तब भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। तो हम इसे ऐसे शेप दे देंगे कटलेट्स का, मतलब कटलेट्स के तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो मैं ऐसे टिक्की जैसा इसको बनाऊंगी क्योंकि ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना वो सबसे पहले आप तक जाएगी। और वैसे भी मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ दोपहर 1 से 3 के बीच में, तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी वीडियो को लाइक करने में, और बिल्कुल फ्री भी है चैनल को सब्सक्राइब करने में भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्की ऐसे ही बना लेनी है, यहाँ पर मैंने सारा बना लिया है। तो थोड़े से कीमे से आप बहुत ही ज़्यादा और क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने पैन में डाल दिया है तेल, तो फिर ज़्यादा तेल नहीं डालना है, मगर फिर भी इतना डालना है कि टिक्की हमारी आधी जो है वो अच्छे से डिप रहे। तो देखिए अगर आधी मतलब ऐसे डूबी रहेगी ना तो क्या होगा कि साइड से भी एकदम मस्त से कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको उलट पलट के फ्राई कर लेंगे मीडियम आँच पर, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो आप देखेंगे कि इतने से ही तेल में बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और तेल बच भी जाता है, तो फिर आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डीप फ्राई में भी ये खुलता नहीं है, मतलब कीमा बाहर नहीं आएगा और बहुत अच्छे से बिना कॉर्नफ्लोर, बिना ब्रेड क्रम्स, बिना अंडे के ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारी टिक्की हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं और अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और ऐसे ही सारे कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे को फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हैं। तो चलिए मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ कि कीमे की जो फिलिंग रहती है वो कैसे चारों तरफ है, मतलब सारा फ्लेवर जो है बीच में बहुत ही अच्छे से है और ज़्यादा तेल भी नहीं एब्जॉर्ब करता और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, टेस्टी से हमारे ये कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। आप लोग भी इसे रमज़ान में ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी, स्पाइसी भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो ट्राई ज़रूर करिएगा। ईद पे भी आप इसे बना सकते हैं, तो कैसा बना कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।